हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिमंडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सुपरमैन से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में, जो कि आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ है। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। गाइस, तो सुपरमैन से रिलेटेड काफी कमाल का अपडेट आया है, जिसको आप जानकर हैरान होने वाले हो। आप सभी जानते हो सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं रिसेंट में हेनरी, जिन्होंने इस कैरेक्टर को छोड़ दिया था डीसी यूनिवर्स में, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फ्लॉप गई थी। फिर उसके बाद उनकी मैन ऑफ स्टील हल्की सी फ्लॉप गई थी, मेरे को अभी जहां तक पता चला है यूएस की रिपोर्ट के हिसाब से। उसके बाद हेनरी देखा कि इस कैरेक्टर को जितने भी करने वाले आए वो सब बर्बाद हुए। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि सुपरमैन ने जिनका भी कैरेक्टर प्ले करा है वो सब बर्बाद हुए। ऐसा क्यों, अगर आप चाहते हो कि पूरी स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो उसकी अलग से मैं एक वीडियो बना सकता हूं। तो हेनरी भी इस कैरेक्टर को छोड़ दिया। फिर वैन अल्फ्रिक, जो कि बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करते थे, उन्होंने भी इसको छोड़ दिया। पर अभी हाल ही में आज के दिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है डेडलाइन की तरफ से कि सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हेनरी ने अभी हाल ही में वॉर्नर वॉर्स कंपनी से बात करी है सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आ जाता है कि क्या वो मैन ऑफ स्टील 2 करेंगे? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैन ऑफ स्टील 2 नहीं आएगी, सिर्फ डेवलपमेंट में है। पर हेनरी जो वॉर्नर वॉर्स कंपनी से बात करने गए हैं वो इस टॉपिक के बारे में नहीं है। जी हाँ, अब आप कहोगे तो ऐसा क्या है भाई, हमें पूरा क्लियर करो। तो अभी अपडेट ये जो आया है वो अपडेट ये है कि हेनरी वॉर्नर वॉर्स कंपनी से सिर्फ बात करने गए हैं कि वो सुपरमैन के कैरेक्टर के लिए रिटर्न होंगे, पर कोई ऑफिशियली मूवी नहीं आएगी। इसका मतलब हमें किसी अपकमिंग मूवी में सुपरमैन का एक कैमियो देखने को मिलने वाला है, जो कि सुपरमैन एक ऑल्टरनेट अलग से एक मूवी में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। वो मैन ऑफ स्टील 2 नहीं हो सकती, वो ऑफिशियल कोई जस्टिस लीग मूवी नहीं हो सकती, वो एक डिफरेंट टाइप की मूवी हो सकती है। अब ऐसा क्या है ये तो आने वाला फ्यूचर ही पता चलेगा, पर जहाँ तक अपडेट ये है कि सुपरमैन के कैरेक्टर के लिए हेनरी रिटर्न हो रहे हैं, और साथ ही साथ हमें वो एक डिफरेंट मूवी में देखने को मिलेंगे, वो मैन ऑफ स्टील 2 नहीं होगी। चलिए गाइस, ये तो रही सुपरमैन से रिलेटेड अपडेट के बारे में बात। अब बात करते हैं HBO मैक्स की तरफ से अपडेट के बारे में। तो अभी हाल ही में कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च हुए काफ़ी ज़्यादा कमाल के, जिसमें कि डार्क साइड का ऑफिशियली लुक लॉन्च कर दिया गया है। जैक स्नाइडर ने वो ऑफिशियली लुक अपने ट्विटर अकाउंट पर लॉन्च करा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि HBO मैक्स पर जो जैसे लीग के कट रिलीज हो रहे हैं वो आपको 4 घंटे के देखने को मिलेंगे, जिसमें कि जो कैरेक्टर डिलीट सीन हटा दिए गए थे, जो सारे कैरेक्टर हटा दिए गए थे वो सारे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सुपर गर्ल, डार्क साइड, ग्रीन लैंटर, फिर और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं। तो वो सब हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे 4 घंटे की। और देन HBO मैक्स इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, तो जैसी कोई रिलीजिंग डेट का कंफर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं कोई वीडियो पसंद आ तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देखो, या तो उस पर बैटमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।